देखो भाई यार पीसीबी जो पाइप है इसमें तो यार बहुत ही फास्ट ये होल कर देती गाइस। देखो देखो आप लोगों के सामने है गाइस, देखो तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने बैक कैमरा चालू कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इन मोटर की मदद से एक ड्रिल मशीन बनाएंगे घर पर बिल्कुल फ्री में गाइस, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 100 या 200 रुपए में बन जाएगी गाइस, ठीक है। ड्रिल मशीन बिल्कुल पावरफुल। तो गाइस कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखो आपको ड्रिल मशीन बनाने के लिए एक मोटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो गाइस आप लोग ये मोटर यूज कर सकते हो या जो इससे छोटी वाली मोटर आती है आप लोग वो वाली भी यूज कर सकते हो, मगर मैं गाइस आप लोगों से यही कहूँगा आप लोग ये वाली मोटर यूज करो क्योंकि ये हैवी मोटर है। इसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, DC 775 मोटर है गाइस, ये बहुत ही अच्छी बहुत ही फास्ट चलेगी। और गाइस यहाँ पर देखो हम लोग यार चोक को कुछ नहीं लगाएंगे, चोक को कि नहीं खरीदेंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। हम लोग जुगाड़ से घर पर बिल्कुल फ्री में ड्रिल मशीन बनाएंगे जुगाड़ से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे इसमें जुगाड़ लगाया, आप लोग देख सकते हो गाइस ये 775 डीसी मोटर है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ड्रिल बिट है गाइस, और यहाँ पर देखो मैंने कैसे किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दिया गाइस। आप लोग जो भी बिट यूज करना चाहते हो आप लोग उस पर सोल्डिंग कर देना। यहाँ पर मेरे पास 3-4 बिट होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। एक ये बिट है गाइस देख सकते हो गाइस, मैं ये ज़्यादा बिट यूज करूँगा इसलिए यहाँ पर मैंने पहले से इसे सोल्डिंग कर दिया गाइस। आप लोग कैसे सोल्डिंग करोगे, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर सोल्डिंग करोगे तो नहीं होगी गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ये रेग मार है गाइस, तो आपको करना क्या होगा ऐसे करके आपको इसे रब कर लेना, मतलब रगड़ लेना, ठीक है गाइस। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पर रेती की मदद से रगड़ लेना, ठीक है, ऐसे करके जितना हो सके। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर रेग मार की मदद से यहाँ पर आपको ऐसे करके रगड़ लेना, ठीक है गाइस। ऐसे करके जब आप लोग रगड़ लोगे फिर आपको ये जो आपकी बिट रहेगी गाइस इसे भी आपको ऐसे करके यहाँ पर रेती की मदद से या आप लोग इस रेग मार की मदद से ऐसे करके यहाँ पर रब कर लेना, मतलब रगड़ लेना, ठीक है। ऐसे करके आपको कर लेना गाइस, चारों तरफ आप लोग कर लेना। कर लेने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे पेस्ट लगा देना, पेस्ट लगा देने के बाद यहाँ पर आपको सोल्डिंग आयरन की मदद से ऐसे करके यहाँ पर आपको सोल्ड कर देना गाइस। मैंने ये तरीका यहाँ पर वही अपनाया गाइस, आप लोगों को इस प्रकार कर लेना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर कितना मजबूत हो चुका है, देखो गाइस ये हिल भी नहीं रहा, देख सकते हो यहाँ पर घूम रहा बिल्कुल अच्छी तरह से, देख सकते हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस प्रकार आपको कर लेना गाइस, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग इसकी बॉडी कैसे बनाओगे सब कुछ मैं अब आपको बताता हूँ, पहले आपको इतना काम कर लेना, मैंने पहले से कर लिया, ठीक है। अब इसकी बॉडी आप लोग कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी ड्रिल मशीन बनके ओके हो चुकी है गाइस, यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाया, तो बॉडी आप लोग यार अपने हिसाब से बना लेना। मगर हम लोग यहाँ पर ये जो ड्रिल मशीन घर पे बनाए गाइस इसके हम लोग टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर देखो मैं किन किन चीजों में टेस्टिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लो ये आपको पीसीबी पाइप दिख रहा है गाइस, यहाँ पे हम लोग होल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए नॉर्मल वाली हीट सिंक है गाइस, इसमें हम लोग होल करके देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हार्ड वाली हीट सिंक आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा मोटी है गाइस, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे होल करके देखेंगे। जो लोग अभी तक अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपको सब्सक्राइब यार जरूर कर देना गाइस। यहाँ पर आप लोग इसे चलाओगे कैसे यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर 12 वोल्टेज देना होगा, चाहे तो आप लोग चार्जर से चला सकते हो या आप लोग बैटरी से चला सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखो आप लोग 12 वोल्टेज से 15 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर आप लोग दोगे तो आपकी ये जो मोटर है बहुत अच्छी वर्क करेगी और जो ड्रिल मशीन है बहुत ही स्पीड से चलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर एम्पियर वाला ज्यादा चार्जर यूज करना है, कम वाला एम्पियर वाला चार्जर यूज करोगे तो लो चलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं कौन सी बैटरी से इसे चलाऊंगा आपको दिखा देना चाहता हूँ, सबसे पहले इन्हें मैं बाहर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12 वोल्ट की हमारी ये बैटरी है गाइस, और यहाँ पर आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हो, बहुत ही पावरफुल ये बैटरी है गाइस। इसी से ये जो ड्रिल मशीन है मैं इसे चलाकर चेक करूंगा और होल करके दिखाएंगे, ठीक है। आप लोग इसे खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, ये आपको 700 के आसपास मिल जाएगी गाइस। यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर प्लस माइनस के वायर दिख जाएंगे और इसमें भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो पॉइंट दिए रहते हैं, एक ये। अब यहाँ पर हम लोग फटाफट कनेक्ट करते हैं, फिर हम लोग इसे चलाते हैं, होल करके देखते हैं हमारी ड्रिल मशीन कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में बने रहो, मैं आप लोगों के सामने सब कुछ यहाँ पर करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है गाइस।
तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं इस प्रकार का वायर यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो मैं इस प्रकार का वायर यूज कर रहा हूँ। गाइस आप लोग इसमें जो वायर यूज करना वो मोटा हो, क्योंकि गाइस आप लोग समझ सकते हो ये बैटरी यार बहुत ही पावरफुल है, आप लोग इसे चार्जर से भी डायरेक्ट ये मोटर को चला सकते हो। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो ये जो रेड वाला, इसे हम लोग रेड के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देखते रहो मैं कैसे यूज करता हूँ, कैसे चलती है, आप लोगों के सामने यहाँ पर लाइव मैं होल्ड करके दिखाऊंगा। ठीक, इस ड्रिल मशीन से जो हम लोगों ने घर पे बनाया, मात्र गाइस 150 रुपए लगेंगे और आप लोग ये ड्रिल मशीन बना लोगे गाइस। ठीक है, और जैसे आप लोग इसी को खरीदोगे 700-800 के आती है गाइस, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। और गाइस आप लोग यार ध्यान रखना, ये जो वायर है इन्हें आपको आपस में टच नहीं करना, क्योंकि गाइस आप लोग समझ सकते हो जो आपकी वायर रहेगी वो फ्यूज हो जाएगी और गाइस बहुत ही गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये बैटरी होती है। आप लोग जैसे ये बैटरी यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी वायर आपस में टच नहीं करना। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, या आप लोग कहोगे यार करण भाई बताए नहीं हो आप। और गाइस ये मेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वीडियो होने जा रही है, मैंने पहला प्रोजेक्ट बनाया, प्लीज आप लोग यार सपोर्ट करना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। ये वायर को हम लोग थोड़ा बहुत और यहाँ पर निकाल लेते हैं गाइस, क्योंकि कम निकला है गाइस, यहाँ पर हम लोग कटर की मदद से इसे यहाँ पे निकाल लेंगे और थोड़ा ऐसे करके। ठीक है, सब हो जाएगा एडजस्ट। मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं ड्रिल मशीन के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई ड्रिल मशीन नहीं खरीद पाते हैं और वो सोचते हैं घर पे हम लोग ड्रिल मशीन कैसे बनाए। गाइस ये बिल्कुल जुगाड़ से हुआ है, आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो हम लोगों ने कोई भी चोक वोक नहीं लगाया, ऐसे ही डायरेक्ट जुगाड़ से काम किया। ठीक गाइस, अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी टेस्टिंग गाइस, आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा। ठीक, यहाँ पर देखो मैंने वायर को कनेक्शन कर दिया, जो रेड वाला है हमने यहाँ पर प्लस के साथ कनेक्शन कर दिया, जो ब्लैक वाला है यहाँ पर हम लोग माइनस के साथ कनेक्शन कर दिया। देखो गाइस यहाँ पर आप लोग वायर को टच मत करना, आप लोग देखना यार कितना ज्यादा यहाँ पर ब्लास्ट होगा। देखो गाइस देख सकते हो, देखो कितनी ज्यादा यार बैटरी हमारी पावरफुल है। ठीक है, अब एक वायर हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, जो मोटर वाले दो पॉइंट दिए हैं एक एक वायर इसमें जोड़ देंगे इस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, पहले तो हम लोग एक वायर यहाँ पे जोड़ेंगे और एक वायर हम लोग बाद में जोड़ेंगे। ठीक है गाइस, तो यहां पर मैं ऐसे करके कर लेता हूं गाइस। गाइस आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग यार फटाफट कमेंट करिए। गाइस मुझे यार डर लग गया था, डायरेक्ट मैंने टच कर दिया, चलने लगी थी हमारी ड्रिल मशीन, देखना देखो गाइस देख सकते, देखो यार डर गया था गाइस। तो गाइस इसमें वायर उल्टा जुड़ जाएंगे तो ये उल्टा हवा देगी, जैसे आप लोग इसका फैन बनाना चाहते हो तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हवा उल्टा दे रही मगर फिर भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसमें पहले होल करके देखते हैं गाइस। ठीक है, तो ये बैटरी को थोड़ा यार मैं बाहर रख देता हूँ ऐसे करके आपको दिखे। ठीक है, यहाँ पर देखो अब इसमें हम लोग यहाँ पे होल करेंगे, ये हमारी स्टार्ट है ड्रिल मशीन, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो ये स्टार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग होल करने जा रहे हैं, देखो गाइस यार पीसीबी जो पाइप है इसमें तो यार बहुत ही फास्ट ये होल कर देती गाइस। देखो देखो आप लोगों के सामने है गाइस, अब यहाँ पे करेंगे तो गाइस बहुत ही अच्छी है ड्रिल मशीन, और देखो यार इसमें तुरंत होल हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये जो हीट सिंक है इसमें देखते हैं ये कर पाती नहीं। ठीक है, आप लोगों के सामने है गाइस, देखो देखो गाइस, तो गाइस आप लोग समझ सकते हो जब ये इसमें होल कर सकती है और जो मोटी प्लाई होती है उसमें कितनी जल्दी ये कर देगी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पावर अभी कम है गाइस, जैसे हम लोग और इसमें पावर देंगे एम्पियर और बढ़ाएंगे तो गाइस ये और फास्ट चलेगी। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं जो इससे मोटी वाली हीट सिंक उसमें होल करके देखते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग बने रहो, देखो गाइस ये कितनी मोटी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हीट सिंक, हम इसमें देखते हैं होल हमारी ये ड्रिल मशीन कर पाती नहीं। ठीक है, आप लोगों के सामने है,
गाइस यहाँ पर कभी कभी फंस जाती है क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है, क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज नहीं गई थी, कभी कभी फंस जाती है, फिर भी यहाँ पर ये होल्ड कर देगी। देखो मैं हिलाता हूँ बार बार, देखना आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये होल्ड करेगी गाइस, ठीक है, कभी कभी फंस जाती है गाइस, ठीक, देखो गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें भी ये सक्सेस हो चुकी है, देखो इसने पास कर लिया इसमें भी। इस ड्रिल मशीन से कहाँ कहाँ पर होल कर सकते हैं आप लोग, वॉल पे भी कर सकते हैं, दीवार पे भी। तो आप लोग समझ सकते हो गाइस कितनी अच्छी ये हमारी ड्रिल मशीन है। गाइस यही ड्रिल मशीन आपको यही मोटर के साथ 1000 रुपए की मिलती, 700 या 800 रुपए की मिलती। आप लोग इसी ड्रिल मशीन को 150 रुपए के अंदर बना लोगे, मैंने आपको बताया। इस प्रकार आप लोग यूज करिए, और आप लोग इसकी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको पीसीबी पाइप ले लेना, जो इतने इतने आते हैं गाइस, आप लोग उसमें फिट कर दीजिए, मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है गाइस, बाय।